गुड मॉर्निंग। आज डे टू है और मौसम काफ़ी बेहतर है, बट स्टिल इट्स प्रीटी कोल्ड। और आज जहाँ पे हमने जाना है वो है कराकोरम हाईवे, और वहाँ पे सही ठंडक पड़ने वाली है। तो ये वाले जूते जो हैं बड़े वाले, जो मेरे गोरख वाले दोस्त सब पहचान सकते हैं, ये मैं पहना हूँ। बस अभी थोड़ी देर पहले तक तो मेरा बहुत ही बुरा हाल था। सुबह के 6:30 बजे कौन उठाता है, लेकिन अब मुँह हाथ वगैरह धो के अब आई एम गुड टू गो। नाश्ता वाश्ता करके फिर वील लीव टुवर्ड्स कराकोरम हाईवे। दिस वॉज आर रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना वॉज प्रीटी डिसेंट, एंड वन ऑफ द थिंग्स आई लाइक द मोस्ट वॉज कि आपको आपका पर्सनल बावर्ची मिलता है, जिसको आप जैसा अंडा बोलो वो बना कर देगा। इसके बाद मैं, भाईजान और नवीद भाई अपनी जीप में बैठे, भाईजान ने अपनी सैड प्लेलिस्ट लगाई, एंड वी लेफ्ट फॉर कराकोरम हाईवे टुवर्ड्स खुंजरा पास। जब जीप की सनरूफ खोली गई तो मेरे अंदर का 8 साल का बच्चा बाहर निकल के आ गया। Look at this dude. अतबात लेक से होते हुए, जहाँ भाईजान ऑलमोस्ट कूदने के इरादे से थे, वी रीच थी पसुकोन्स। इस वक्त हम लोग हैं पसुकोन्स पे, और ये पीछे आप देख सकते हैं ये पूरे पसुकोन्स हैं। और इनको पसुकोन्स क्यों बोलते हैं, इनमें पता नहीं क्या क्या कोन लगे हुए हैं, क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हम रुके हैं, यहाँ पे ज़रा पिक्चर लेने के लिए रुके हुए, और अच्छा नज़ारा है यहाँ पे भी। अगर मैं फ्लूट ले आता तो एक अच्छी फ्लूट वीडियो तो बनी जाती यहाँ पे भी। थोड़े से और शॉर्ट्स और ट्रैवलिंग के बाद वी विजिटेड अ लाइव याक मीट बारबेक्यू स्ट्रीट रेस्टोरेंट। याक मीट वॉज प्रिटी डोप, लेकिन मेरी नज़र तो किसी और ही चीज़ पे थी, चेरीज। एक और चाय सेशन और मजीद चेरी की चोरी करने के बाद भाईजान ने अपना याक के सर के साथ पिक्चर खिंचवाने का शौक़ पूरा किया, और चूंकि आगे खुंजरा पास तक का सफ़र लंबा था तो मैंने वॉशरूम का चक्कर लगाया, जहाँ टॉयलेट पर बैठना अलो नहीं था। थोड़ी देर बाद वी रीच दी खुंजरा पास। जी भर के जीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा, यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हसी तुझे कल बुलाएगा, यारो जी भर के जीले पल लगता पे हो यकीन तो जिंदगी हसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनू, है जुनू साजीने में, है जुनू, है जुनू साजीने में, है जुनू। बेसिकली दिस प्लेस इज द पाक चाइना बॉर्डर, एंड इसी खुंजरा पास के थ्रू ये दोनों कंट्रीज कनेक्टेड हैं। काफ़ी सालों से नो वन इज अलाउड टू गो नियर द पास, तो हमने सोचा कि पास से आगे बर्फ़ वाले एरिया का चक्कर मार के आते हैं, एंड हमें अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो एरिया एक्चुअली इतना दूर है कि चलते चलते 3 बार हमें बीच में बैठना पड़ गया। मामा तो खैर यहीं पर रुक गई, लेकिन आपका भाई आगे याक से मिलकर आया,
एंड जस्ट टू शो हाउ फार दे एक्चुअली वर, वो उस पहाड़ी के ऊपर चल मार रहे थे। इतने सारे याक और याक के बच्चे देख के मेरा दिल चाह रहा था कि कुर्बानी के लिए एक कराची ले आऊं। पॉज। बिग शाउट आउट टू यूसुफ, उसने अगर ये मुझे हुडी नहीं दी होती तो मेरी इस वक्त कुल्फी जम रही होती। एनीवेज, बैक टू द वीडियो। वहाँ पे तो मैं इतना थक गया था कि मैं वापसी में मामा के कंधे पे सर के सो गया। एंड इससे ज़्यादा अजीब सीन ये कि मेरे कंधे पे भी कोई रैंडम बंदा सर के सो रहा था। खैर, करीबी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो मेन्यू में चाइनीज़ था जो मैंने खाना नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से चिकन हांडी मिल गई तो मेरा काम चल गया। चार घंटे के रास्ते के बाद जब घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी और मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं बैठे बैठे चिप्स फोड़ने लग गया। मिडनाइट स्नैक और कपड़े चेंज करने के बाद इट वॉज नाउ स्लीप टाइम। 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद आई वॉज नाउ रेडी फॉर अनदर ब्यूटिफुल डे। बावर्ची का ऑमलेट और जूस पीने के बाद वी लेफ्ट टूवर्ड्स द हॉपर्स ग्लेशियर। रास्ते में वी विजिटेड अ मार्बल माइन जहाँ पे इंसानों के साइज इतने बड़े मार्बल डिस्प्ले पे रखे हुए थे। दिस वॉज द एक्चुअल ग्लेशियर एंड जस्ट टू गिव यू कंपेरिजन ऑफ द साइज, ये एक नॉर्मल हट है एंड आप देख सकते हैं हाउ ह्यूज दे आर कंपेरेटिवली। कैसा मौसम है बताएं ज़रा? छाऊ में ठंडक है और धूप में गर्मी है। ग्लेशियर नीचे है, बहुत लंबा सा, हम ऊपर हैं उसके, लेकिन उतनी सर्दी नहीं है जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मतलब लगेज भारी हो गया एक तरह से। हाँ, और अभी हम ऊपर वॉक करके आए तो इसलिए सांस फूल गए। थोड़ी सी शॉपिंग, रैंडम बिल्ली को प्यार करके और अर्थुरुल बनने की नाकाम कोशिशों के बाद वी हैड अ लैविश मील। इसके बाद वी विजिटेड द मार्केट्स। यहाँ पे दो खास चीज़ें हुई। सबसे पहले तो मुझे मेरा खजाना मिल गया और दूसरी चीज़ मामा को उनकी खोई हुई बहन मिल गई। उनके साथ मैंगो शेक पीने के बाद इट वॉज नाउ टाइम टू एक्सप्लोर द अताबात लेक।